हेलो गाइज, एक बार फिर रजत दलाल की गोरिल्ला गैंग ने कर लिया है सिस्टम हैंग विवेन डिसेना का। विवेन डिसेना के फैंस फूट फूट कर रोए और गोरिल्ला गैंग ने भगा भगा कर पीट पीट कर दोस्तों उनको भगाया है। जी हाँ, एक बार फिर बीबी किंग बन गए हैं रजत दलाल, और एक बार नहीं दोस्तों, बार बार बीबी किंग बन रहे हैं रजत दलाल। पिछली बात करें तो हफ्ते भी बीबी किंग रजत दलाल बने। जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है तब से बीबी किंग पर दबदबा रजत दलाल का है। बॉस मीटर भी रजत दलाल जीत चुके हैं और बीबी किंग भी वोटिंग में भी नंबर वन पर रहते हैं और किसी में भी पीछे नहीं है। सिर्फ पीवीएन डिसिना की पीआर ही दोस्तों आगे जा सकती है, लेकिन फैंस के मामले में रजत दलाल की गोरिल्ला गैंग का कोई मुकाबला नहीं। करनाल की गोरिल्ला गैंग विवेन डिसेना के फैंस को ऊपर उठा उठा कर फेंक रहे हैं। जी हां, इस तरीके का बीबी किंग में हमें देखने को एक तरफा मामला मिला है, जहां पर विवेन डिसेना पास में भी नहीं दिखे। जी हां, कलर्स का लाडला कलर्स पर ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कलर्स टीवी का ये बीबी किंग का पोल होता है, जहां पर रजत दलाल एक तरफा जीते हुए नजर आ रहे। जो सिनेमा वाले बिग बॉस का बॉस मीटर दोस्तों विवेन डिसेना को एक बार जिताया था झोलमाल करके, लेकिन रजत दलाल ने बीबी किंग में एक बार भी विवेन डिसेना को दोस्तों आगे नहीं आने दिया और एक तरफा दबदबा बनाकर रखा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि विवेन को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, उनको उनकी औकात पता चल गई होगी कि विवेन डिसेना की सिर्फ पीआर टीम ही मजबूत है। सिर्फ इंटरव्यू में उनको सवाल पूछना, और बात करते इंटरव्यू में अंदर से कंटेस्टर को बात करें तो जो बातें समझा समझा कर विवेन डिसेना की तारीफों के पुल बांधना, यही रह गया है विवेन डिसेना की पीआर और बिग बॉस का। बिग बॉस हर बार विवेन डिसेना को फेवर करते वे नजर आ रहे हैं और बाकी कंटेस्टर को जलील करने में उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं बिग बॉस। लेकिन जनता उसी का साथ देती है जो दिल वाला बंदा होता है, जो सही तरीके से गेम खेलता है, फेयर रहता है। और ऐसे दोगले लोग जो बात करें तो घर के अंदर लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं विवेन डिसेना और अविनाश मिश्रा जैसे, रात को 3 बजे चार पांडे जैसी लड़की के साथ उनको हरास करना, रात को परेशान करना, ऐसे लोगों को तो कतई भी दोस्तों जनता पसंद नहीं करती है। बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।